कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर मंगलवार को डेमो क्लास का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर श्री सीताराम शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को विद्यार्थियों की गूगल मीट से एक डेमो क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लास से संबंधित डाटा नेटवर्क और विद्यार्थियों की समस्याओं को देखा और उसका निराकरण के लिए व्यवस्थाएं की गई। मंगलवार को 1 बजे BSc फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास का डेमो लिया गया। ऑनलाइन क्लासों में BSc BCom BCA BBA की क्लासेस ऑनलाइन लगेगी। कई विषयों के डायरेक्ट भोपाल से दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षकों द्वारा नोट्स के PDF विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कभी नेटवर्क की वजह से विद्यार्थी लेक्चर नहीं सुन पाता है तब तक वह PDF में नोट्स से पढ़ाई कर सकेगा। एक्चुअल में मध्य शासन उच्च शिक्षा विभाग ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लासेस लेने का निर्देश दिए हैं और उसी संदर्भ में आज गूगल मीट से एक डेमो क्लास का आयोजन किया गया है सभी क्लासों के लिए, ताकि बच्चे जुड़ सकें, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम उसको देख सकें और उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था में डाटा नेटवर्क हैं ये सब व्यवस्थाएं देख सकें और उस हिसाब से हम क्लासेस ले सकें। तो आज 1 बजे हमने BSc फाइनल ईयर की डेमो क्लास रखी है। इसी प्रकार से सभी शिक्षक भी डेमो क्लासेस ले रहे हैं। विशेष करके जो हमारे परम्परागत कोर्स हैं, जैसे BSc हैं, BCom हैं, BA हैं, इनकी क्लासेस लगेगी और BCA हैं, BBA हैं, इनकी क्लासेस भी ऑनलाइन लगेगी और कुछ क्लासों के डायरेक्ट प्रसारण भी होंगे, जो कि भोपाल से होंगे, दूरदर्शन के माध्यम से होंगे, आकाशवाणी के माध्यम से। नहीं, हमने किया है कि हम जो हैं, जो हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स जो हैं PDF के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि कभी नेटवर्क की समस्या के कारण वो हमारा लेक्चर ना सुन पाए हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, तो वो अपने PDF से घर पर आसानी से उसको पढ़ सके। और इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी शासन प्रसारित कर रहा है, जो कि आराम से नेटवर्क की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, सभी घर में TV होता है तो वो उस पर भी देख सकते हैं। और यहाँ से जो क्लासेस लगेगी उनके सबके PDF हम बच्चों को नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा देंगे, ताकि बच्चे वो नोट्स ले। वो टेस्ट भी होंगे, पर उसके लिए अभी निर्देश नहीं आए। वो संभवतः दिसंबर के 1st वीक में पहला टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट फरवरी मार्च में।